प्रिय दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार और आप देख रहे हैं विक्रम सिंह तोमर का व्लॉग चैनल। आज परिजनों से भरपूर आर्थिक मदद मिलने के योग हैं। व्यापार में नौकर चाकर व आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे। किसी आर्थिक लेन देन में आपको लाभ वाला होने वाला है। नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन में बड़ी वृद्धि आपको होने से आर्थिक पक्ष सुधरेगा। संतान को रोजगार मिलने से आपकी आर्थिक मदद मिलेगी। सुख सुविधा की वस्तु पर अत्यधिक धन खर्च करेंगे। आज क्या कहती है आपकी राशियां, कैसा रहेगा आपका दिन, शुरुआत करते हैं। आज के शुभ विचार से आप जो भी करते हैं उसका कोई ना कोई परिणाम अवश्य है। इसीलिए कुछ करने से पहले परिणाम के बारे में अवश्य सोचे। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराई ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो, बड़ा बनो, पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। इंसान को कभी अपनी हिम्मत नहीं हार चाहिए, उस इंसान को हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकलती हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समुद्र कितनी दूर है। उसका काम आगे बढ़ने का है। आज का पंचांग 5 जून 2024, दिन बुधवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शाम 7:55 तक रहेगी। इसके उपरांत अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र रात्रि 9:16 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:25 से 2:05 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी वृषभ राशि पर ही रहेंगे। तुला राशि 5 जून 2024 दिन बुधवार, आज आपको बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होगा। यदि आपसे कुछ गलतियां हुई है तो आप उनसे कुछ सीखे और उन्हें दोबारा ना दोहराएं। पिताजी आपसे किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं। यदि ऐसा हो तो आपको उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करनी होगी। आप आज खुद की मेहनत से कार्य क्षेत्र में अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से सावधान रहना होगा। नव विवाहित जातकों के जीवन में आज किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। आप अपने दोस्तों के साथ आज किसी पार्टी आदि को करने की योजना बनाएंगे और आर्थिक दबावों को भी महसूस करेंगे। दुर्घटना, चोट या बीमारी से बचने के लिए ध्यान से यात्रा करें। आज धन की दृष्टि से आपका दिन अच्छा रहेगा। अपने इस दिन को और सफल बनाने के लिए आकर्षण और व्यवहार कुशलता का प्रयोग करें। अपने जीवन के निर्णय सोच समझ कर ले, क्योंकि आपकी यह निर्णय आपकी किस्मत बदल सकती है। जिस तरह मिर्च खाने को लजीज बनाती है, उसी तरह से थोड़ा सा दुख भी जीवन में जरूरी होता है। दुख और धन के मामले में समझदारी और सतर्कता बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर उत्साहित होकर आप अपनी पैसे खर्च करते हैं। यह धन अनुभवों के पीछे भागते हैं, लेकिन ध्यान देना आवश्यक है कि यह क्या हमारे वास्तविक लक्ष्यों और मुद्दों के साथ संगत है। आपकी सलाह के हमारी सलाह के अनुसार हमेशा अपने विचारों और उत्साह को संतुलित रखने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी नए विचार को समझे और अनुसरण करने से पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि यह हमारे लक्ष्य और मूल्यों के साथ संगत है या नहीं। साथ ही ध्यान देना चाहिए कि हमारे चारों ओर कौन है और किसकी सलाह का हमें क्या असर हो सकता है। लोग हमारे साथ आसानी से अपना लाभ लेने की कोशिश कर सकते हैं, इसीलिए सावधान रहना चाहिए। व्यवहार या फैसले उन्हें प्रभावित करते हैं, तो उनके साथ संवेदनशीलता और समझदारी से बातचीत करना चाहिए।
परिवार के लोगों के साथ गंभीरता से आप विचार विमर्श कर सकते हैं। मानसिक सुख शांति भी आज बन सकती है। आप अपने आत्मविश्वास और मनोबल द्वारा किसी विशेष लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम रहेंगे। पुरानी गलतियां सुधारने का मौका आपको मिल सकता है। मन को शांत रखें और एक-एक काम को पूरा करें। काम से संबंधित उद्देश्य जब तक पूरा नहीं होता है तब तक अपना ध्यान भटकने बिल्कुल ना दें। अनेक बातों की ओर आप आकर्षित होते हुए नजर आ रहे हैं जो नुकसान का कारण बन सकता है। आर्थिक पक्ष मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत भी है। व्यापार से जुड़े लोगों को लेन देन करते समय सोच विचार करके ही आगे बढ़ना होगा। इसलिए किसी पर भी भरोसा ना करके छोटी से छोटी बात को भी नजरअंदाज ना करें, परंतु अपने गुस्से और आवेश पर कंट्रोल रखना भी जरूरी है। आपका सहज और संयम स्वभाव आपको मान सम्मान को बनाए रखेगा। लव लाइफ की बात करते हैं। प्रेम विवाह की योजना को परिजनों की सहमति मिलने के योग हैं। प्रेम संबंधों में निकटता आएगी। गृहस्थ जीवन में आपके अनुकूल वातावरण रहेगा। पति पत्नी सुखद समय व्यतीत करेंगे। संतान के अच्छे कार्य अथवा उच्च सफलता मिलने के कारण आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा। मित्र संग मनोरंजन का लुत्फ उठाएंगे। माता पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद ले अपने पुराने रिश्ते और अपनी जिंदगी को और मजबूती देनी है। आपके जो भी मुद्दे और शिकायतें थी उनका आपको एहसास होगा कि आप उनकी वजह से आपके रिश्तों में कितनी खटास आई थी जो कि आपने जरूरत से ज्यादा उठाई थी। आपका जीवन साथी पूरी तरह से समर्पित है और हमेशा आपके साथ रहने वाला है। परिवार को धन का घाटा हो सकता है, इससे बचने के लिए सोच समझकर धन व्यय करें। कुंभ राशि वालों के प्रेम संबंधों में निकटता आएगी। गृहस्थ जीवन में आपके अनुकूल वातावरण रहेगा। आप पति पत्नी सुखद समय व्यतीत करेंगे। संतान के अच्छे कार्य अथवा उच्च सफलता मिलने के कारण आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा। इसमें भी आपको सफलता ही मिलेगी। आप दोनों के बीच का अंतरंग अनुभव आप दोनों के रिश्ते को जीवन भर का संबंध बना देगा। करियर की बात करते हैं। साहस भरी छोटी यात्रा आपका इंतजार कर रही है जिसका आप छोटे भाई बहनों के साथ आनंद लेंगे। लोगों के नकारात्मक प्रतिक्रिया से प्रभावित ना होकर अपनी संचार के साधनों से आप सफलता के नए रास्ते खोज सकते हैं। आप छोटी छोटी बातों से चिंतित ना हो प्यार और पैसे के मामलों को लेकर चिंतित रहने की भी संभावना है। आज आप व्यस्त रहेंगे और पुराने मुद्दे आज आपका अतिरिक्त समय लेंगे। सोच समझकर बोलना आपके पक्ष में काम करेगा। साहस से आप वह हर एक काम कर सकते हैं जिसकी अभी कल्पना ही कर रहे हैं। आप किसी भी कार्य को अच्छी तरह से करने में बहुत गर्व महसूस करते हैं या अब आपके वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम में यह अब आपके वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में आएगा। कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आपको दी जा सकती है जो कि आपके करियर की प्रगति के लिए नए दरवाजे और आयाम खोलेगी। आय में भी वृद्धि की संभावना है। आपको अपने करियर को आगे ले जाने के लिए समर्पण और ध्यान को बढ़ाने की जरूरत है। संबंध दोबारा मधुर हो जाएंगे। कोई महत्वपूर्ण फैसला आज ना ले क्योंकि छोटी सी लापरवाही नुकसान का कारण बन सकती है। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी गंभीर रोग से निजात मिलेगी। मधुमेह गुर्दे संबंधी हड्डी संबंधी रोग आदि से ग्रसित लोगों को रोग से संबंधित भय एवं भ्रम से मुक्ति मिलेगी। पेट संबंधित खान पान संबंधी रोग कुछ कष्ट दे सकते हैं। आप अपनी खान पान संबंधी आदत पर अंकुश लगाएं। सुबह का घूमना जारी रखें। नींद पूरी लें।
सकारात्मक रहे, नकारात्मकता से बचें। आज का उपाय आज आप गरीबों को दान पुण्य करें, बहुत शुभ रहेगा। हरी मूंग का दान करें। शराब और मांस मछली का सेवन न करें। प्यारे दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखना ना भूले। सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद।